Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and this side is Lochan. I hope you all are doing great and taking good care of your health. So first bottle art ko karne ke liye hame chahiye ek glass bottle aur acrylic colors. Yahan main Fevicryl acrylic colors use kar rahi hoon. And colors ko hum dabber ki help se apply karenge. आप यहाँ पर स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डैबर नहीं है तो. यहाँ पर बॉटल के बेस को हम कलरफुल बना रहे हैं तो इसके लिए हमें कलर्स को कुछ इस तरह से लगाना है कि सारे कलर्स आपस में मर्ज हो, बट कलर्स को ओवरलैप नहीं करना है. बहुत ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो सिर्फ एक ही कलर दिखेगा. हमें थोड़ा थोड़ा सा आपस में मर्ज करना है कलर्स को और अच्छे से अप्लाई करना है. इस टाइप का बॉटल आर्टवर्क हम जब भी करते हैं तो मेक श्योर कि आप कलर्स में वाटर मिक्स ना करें. अगर आप इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो हमें नहीं मिलेगा. जब बॉटल पर कलर हो जाए तो इसे एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए ड्राई होने दें. एंड जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं. मैं यहाँ पर सिंपल मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पर आप सिंपल फ्लावर्स बना सकते हैं या कोई भी सिंपल डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं. आप डायरेक्ट मार्कर यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है तो उस केस में फर्स्ट आप कोई भी डिज़ाइन ट्रेस कर लें और उसके बाद में आप मार्कर से ड्रॉ करें. फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए. इससे जब कभी भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें थैंक यू सो मच. इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें. बॉटल पर मार्कर की हेल्प से मेहंदी आर्ट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बट इससे भी ज़्यादा सिंपल है वर्ली आर्ट. आप एक दो बार वर्ली आर्ट का प्रैक्टिस करेंगे तो आप बॉटल पर इजीली बना पाएंगे. तो आप यहाँ पर इस बॉटल पर वर्ली आर्ट भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी. आप यहाँ पर चाहे तो कंप्लीट बॉटल पर आप मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर फ्रंट में आप मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करके बाकी का जो एरिया है उस पर सिंपल इस तरह से फ्लावर्स बना सकते हैं और इसे अच्छे से फिल कर सकते हैं. एंड इट्स रेडी. इस वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करना चाहिए. वार्निश कौन सा यूज़ करना है उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा. नाउ सेकेंड बॉटल आर्ट के लिए हमें चाहिए सेम ग्लास बॉटल और एक प्रिंट आउट. पिक्चर की एजेस को अनइवन करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे वाटर और इसे ब्रश की हेल्प से हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम पेपर को कुछ इस तरह से टैर करेंगे. वाटर यूज़ करने से पेपर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो ईजिली टैर हो जाता है. नाउ इसे स्टिक करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे फेविक्रिल मॉड पॉज और पेपर को हम कुछ इस तरह से अच्छे से स्टिक कर देंगे और इसके ऊपर हम ड्राई ब्रश इस तरह से यूज़ करेंगे. इससे इसके अंदर जितने भी रिंकल्स या फिर कहीं से भी ये श्रिंक हो रहा होगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा. नाउ अब टर्न आता है कलर्स का. तो यहाँ पर हम कलर्स वही चूज़ करेंगे जो इस पिक्चर के बैकग्राउंड में है, लाइक येल्लो, ग्रीन, जो भी आपके बैकग्राउंड में कलर होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें इस बॉटल पर भी कलर करना है. जब बॉटल अच्छे से ड्राई हो जाए तो यहाँ पर हम पिक्चर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करेंगे परमानेंट मार्कर.
आप यहाँ पर जीरो नंबर ब्रश के साथ में एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मेन पिक्चर को हाईलाइट करने के बाद में इस पिक्चर के पास में कुछ इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करें कि आपके इस पिक्चर की जो एजेस है वो और बॉटल के ऊपर जो हमने कलर किए हैं ये आपस में मर्ज हो जाए और पेपर की जो एजेस है वो अच्छे से दिखे ना। नाउ रिमेनिंग साइड्स पर कुछ इस तरह से सिंपल सा डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, जब वर्क फिनिश हो जाए अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करना है। बॉटल आर्ट करने में अगर हम मार्कर यूज़ करते हैं तो बेस्ट यही है कि हम स्प्रे वार्निश यूज़ करें। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट बॉटल आर्ट। इसके लिए सेम हमें चाहिए ग्लास बॉटल, सम टिश्यू पेपर्स एंड फेविकॉल एंड वाटर का मिक्सचर। इस मिक्सचर को सिंपली इस तरह से बॉटल पर अप्लाई करना है और उसके ऊपर टिश्यू पेपर को कुछ इस तरह से स्टिक करना है। यहाँ टिश्यू पेपर्स को हमें रैंडमली ही स्टिक करना है। यहाँ पर अगर टिश्यू पेपर्स में क्रीज आ रही है या फिर कोई रिंकल्स बन रहे हैं तो उन्हें इसी तरह से रहने दें, क्योंकि हमें कुछ इस टाइप का ही टेक्स्चर चाहिए। एंड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले। आप यहाँ पर फेविक्रिल एयर ड्राई क्ले यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। क्ले को सिंपली इस तरह से फ्लैट करना है और कुकी कटर की हेल्प से कुछ इस तरह से हमें डिज़ाइंस को कट करना है। इन टूल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ फ्लावर बनाने के लिए हमने फर्स्ट कुकी कटर से उस डिज़ाइन को कट किया है और इसके ऊपर हम एक छोटी सी बॉल बना करके स्टिक करेंगे और टूल्स की हेल्प से हम कुछ इसे अच्छे से फ्लावर की शेप देंगे। क्ले आर्ट में आप जितना डिटेलिंग वर्क करेंगे उतना ही आपका वर्क अच्छा दिखेगा। नाउ यहाँ पर हम कुछ लीव्स कट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट डिज़ाइन का फ्लावर बना रहे हैं, उसके लिए हमें 6 to 7 इस टाइप से बॉल्स बनानी है और उन्हें इस तरह से फ्लैट करके पेटल्स बनानी है। नाउ सिंपली सेंटर में हमें कुछ इस तरह से बीच में डिज़ाइन रखना है और उसके साइड्स में इस तरह से पेटल्स को स्टिक करते जाना है। जब ये सारी एक साथ स्टिक हो जाएगी तो इन्हें अच्छे से प्रेस करके लोअर साइड से कट करना है। एंड अब हम बना रहे हैं कुछ स्मॉल स्मॉल लीव्स। नाउ टर्न आता है बॉटल पर स्टिक करने का। सो इन सारे क्ले वर्क को स्टिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे फेविकॉल एंड स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें स्टिक करते जाएंगे।
जब सारा क्ले वर्क स्टिक हो जाए तो टॉप पर आप इस तरह से जूट रोप से इसे और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। नाउ टर्न आता है कलर्स से डेकोरेट करने का। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्रिलिक कलर्स। जब बेस कलर अच्छे से ड्राई हो जाए तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ हम यूज़ करेंगे ग्रीन कलर। इसे आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं या फिर आप फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फ्लावर्स, बटरफ्लाइज इन सब को अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं तो फाइनल टच देने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे गोल्डन एक्रिलिक कलर। सो इसे आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं। एंड इट्स रेडी। सेम इसी के ऊपर भी आपको वार्निश अप्लाई करना है। सो आई होप यू लाइक दीज ट्यूटोरियल्स। इफ़ यू लाइक दीज ट्यूटोरियल्स देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।